Hello, dear students. Hope you all are fine at home during this pandemic time. So, today we are going to start our second evaluation course with a new lesson. And the lesson name is uh, School is Fun, lesson number seven. So, we learn in the chapter about school. Okay. School. A school is a place where children study and learn about many things. Children go to schools. children who go to schools are called students all students wear a special dress to school which is called uniform students carry a tiffin box and a water bottle to school during the lunch break they eat food from their tiffin box so bachcho yahan pe kaha gaya hai school ke bare mein okay tum log school aate ho na har roz जब स्कूल खुला हुआ था तब तो हम लोग स्कूल आते थे कितना मज़ा होता था कितना फ़न होता था ना स्कूल में सो so, उसी के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसी के बारे में हम पढ़ेंगे स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां बच्चे कुछ सीखने के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं ठीक है और जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स और तुम लोग हमेशा एक चीज तो पहन के ही जाते थे वो होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म स्कूल आने के लिए एक चीज जरूरी है दैट इज यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म ओके द ड्रेस विच यू वेयर इट इज नोन एज स्कूल यूनिफॉर्म और तुम लोग अपने साथ टिफिन बॉक्स भी लाते थे वाटर बोतल भी लाते थे याद है ना तुम सबको ड्यूरिंग द ब्रेक दे फूड फ्रॉम टिफिन ब्रेक के टाइम पे लंच ब्रेक के टाइम पे तुम लोग वो बॉक्स खोल के टिफिन खाते थे ठीक है देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल सो द हेड ऑफ द स्कूल इज कॉल्ड प्रिंसिपल शी शी शीट्स इन हर ऑफिस द प्रिंसिपल लुक्स आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल सो so, यहाँ पे कहा गया है प्रिंसिपल के बारे में सो so, जो हेड ऑफ़ द स्कूल होता है बच्चों उनको कहा जाता है प्रिंसिपल और वे कहाँ बैठता है अपने ऑफिस में बैठता है उनका एक अलग सा ऑफिस रूम होता है वो यहाँ पे वो बैठता है और प्रिंसिपल सर या मैडम जो होता है वो सारे चीज़ों को मॉनिटर करते हैं सारे चीज़ों को देखते हैं ठीक है राइट द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ही आर यू विल राइट द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ओके देन कमिंग टू प्लेसिस इन स्कूल द क्लासरूम इज ए रूम हुआ टीचर्स टीच स्टूडेंट इट हैज एट बोर्ड टेबल्स चेयर फॉर स्टूडेंट्स सो प्लेसेज ऑफ स्कूल अभी भिन्न जगह के बारे में स्कूल के भिन्न जगह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है पहले आता है क्लासरूम क्लासरूम कौन सा जगह है क्लासरूम वो जगह है जहाँ तुम लोग बैठते हो और जहाँ टीचर आके तुमको पढ़ाता है जिस रूम में टीचर तुमको पढ़ाता है वही उसी को बोलता है क्लासरूम उसमें क्या होता है क्लासरूम के अंदर क्या रहता है एक बोर्ड रहता है टेबल रहता है फिर चेयर्स रहते हैं टेबल चेयर्स रहते हैं या फिर हम लोग के स्कूल में जैसे बेंच और डेस्क है तो बच्चों के लिए ठीक है प्रेयर्स एंड फंक्शंस आर हेल्ड इन असेंबली हॉल फिर एक बड़ा सा एक असेंबली हॉल होता है वहां पे सारा प्रेयर्स और स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं वहां पे होता है उसे असेंबली हॉल कहा जाता है टीचर्स मेक प्लान्स फॉर टीचिंग और टेक रेस्ट फॉर अ वाइल्ड इन द स्टाफ रूम फिर टीचर लोग जहाँ पे बैठ के अपना लेसन प्लान करते हैं या फिर रेस्ट वेस्ट करते हुए रहते हैं उसे बोलते हैं स्टाफ रूम ठीक है इन द प्ले ग्राउंड स्टूडेंट्स डू मार्च पास एंड प्ले वेरियस गेम्स दे आर आर स्विंग्स एंड सीशोस इन द प्ले ग्राउंड फिर आते हैं हम लोग प्ले ग्राउंड पर प्ले ग्राउंड वो जहाँ होता है जगह होता है जहाँ पर बच्चे मार्च पास करते हैं फिर या फिर गेम्स खेलते हैं जो गेम उसे उसे अच्छा लगे विभिन्न प्रकार के गेम्स खेलते हैं फिर वहाँ पे कुछ कुछ स्कूल के प्ले ग्राउंड में क्या होता है स्विंग्स होता है और शीशो भी होता है मैनी बुक्स आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी वी रीड बुक्सर मतलब कि लाइब्रेरी अभी आता है लाइब्रेरी पर लाइब्रेरी कौन सा जगह लाइब्रेरी वो जगह जहाँ पे हर तरह की किताबें होता है ओके okay? वहां पर हम जाके किताब को पढ़ते है रिफ्रेशमेंट ऑफ सच लाइट स्नैक्स जूसेस एंड शेक्स कैन बी ब्रॉड फ्रॉम द कैंटीन फिर आता है कैंटीन में कैंटीन वो जगह होता है जहाँ हम लोग खाने के लिए कुछ लाइट खाने के लिए जैसे स्नैक्स हो जूसेस हो या फिर मिल्क शेक हो ये सब शेक्स हो ये सब मिलता है वहां पे ठीक है स्टूडेंट्स हु आर अनवेल कैन गो टू द मेडिकल रूम टू टेक मेडिकेशन एंड रेस्ट फिर आते हैं हम लोग क्या मेडिकल रूम पे अब मेडिकल रूम वो जगह होता है जहां पे स्टूडेंट्स को अगर कोई स्टूडेंट मान लो अनहेल्दी हो गया कुछ उसका तबीयत बिगड़ गया तो वो जाके वहां पे मेडिकेशन ले सकते हैं ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकता है नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक कीपिंग द स्कूल क्लीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ओके अगर तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तो अपना स्कूल को साफ सुथरा रखना भी तुम्हारा भी कर्तव्य है ठीक है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑफ एन स्टूडेंट टू कीप द स्कूल क्लीन स्टूडेंट शुड नॉट थ्रो वेस्ट पेपर्स और बीट्स ऑफ फूड इन वेयर बच्चों को uh, अपना पेपर वगैरह जो वेस्ट पेपर होता है या फिर um, uh, खाने का जो टुकड़ा या सब हो ये सब होता है वेस्ट जो होता है वो तो सब यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए ठीक है वेस्ट शूड ऑलवेज बी थ्रोन इं टू द डस्टबिन ये सब वेस्ट, वेस्ट चीज़ों को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए डू नॉट डिस्ट्रॉय स्कूल प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टें थिंग स्कूल प्रॉपर्टी को हम हम लोग डैमेज नहीं करना चाहिए हमें डैमेज नहीं करना इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए ठीक है सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल सो विल मीट अगेन अगेन इन ए नेक्स्ट वीडियो विद इन अनदर न्यू लेसन अंडर स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय